बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी, बिलाखिर हुकूमत ने बड़ी खबर दे दी। आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करूंगा कि हुकूमत ने क्या खबर दी, तफसीलात क्या हैं, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्या नोटिफिकेशन जो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन की बातें चल रही थी उसके ऊपर हुकूमत ने क्या कहा। तफसीलात शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट देखें। ये एक स्क्रीन शॉट है प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनके प्रोग्राम में आए हुए थे राणा सनावला साहब। राणा सनावला साहब से मोहम्मद मालिक साहब ने जब पूछा कि क्या काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलने जा रही है और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे, क्या एक्सटेंशन मिल जाएगी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को, तो राणा सनावला साहब ने कहा कि हम जिस आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं तो इस आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन रोकने से मुतलक किसी भी तजवीज के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा और ना ही चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो इससे ये मुराद बनती है कि हुकूमत काजी फैसल साहब को, क्योंकि वो खुद एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, तो हुकूमत उनको एक्सटेंशन नहीं देने जा रही और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन बहुत जल्द हुकूमत जो है वो जारी कर देगी। और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 से 18 दिन रह चुके हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जो आइनी मुद्दत है मुलाजमत की। तो तकरीबन मैं आपके साथ इस वीडियो में खबर शेयर करना चाहूँगा कि तकरीबन 4-5 दिन के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, यानी कि अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अब राणा सनावला साहब ने इसको कंफर्म कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।